हेलो एवरीवन, एज प्रॉमिस्ड ऑल ऑफ यू, एचडीएफसी बैंक का एक ब्रॉडर वीकली बेसिस का एनालिसिस मैंने कर लिया है। फ्राइडे को 6-7% जितना भी ये गिरा था, दैट वाज नॉट ड्यू टू क्वार्टरली रिजल्ट्स। वो आप जानते हो, एमएससीआई एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया, टेक्निकल रीजंस के वजह से गिरा था। नाउ वेरी रेयरली दिस हैपन्स, कभी भी कोई स्टॉक अगर टेक्निकल रीजंस के वजह से, एडजस्टमेंट, मर्जर, डीमर्जर या डिविडेंड शेयरिंग के वजह से गिरता है, तो उसके बाद उसमें हम यूजुअली 2-3 दिन का ट्रेडिंग मोमेंटम देखते हैं। जैसे आज मंडे एचडीएफसी बैंक में हुआ क्या, 1% ऊपर क्लोज हुआ। तो ये 1% ऊपर क्यों क्लोज हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग जिन्होंने नीचे के लेवल पे बाय किया होगा और काफ़ी लोग जिन्होंने ऊपर सेल किया था उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी की होगी। लेकिन अब कल क्या ये ऊपर जाएगा वापस, नाउ दैट इज़ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, राइट। उसके लिए RSI इंडिकेटर और लेवल्स, जिसकी मैं काफ़ी बार बात करता हूँ, वो देखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो एज पर द लेवल्स दैट आई कैन सी, 1618 पे HDFC बैंक का एक बहुत ठीक ठाक सा सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है। अगर ये 1618 को तोड़ता है, देन आपका गोल्डन मैजिकल लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट बन जाता है 1591 इन द शॉर्ट टर्म। ये मैं वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ, गिरावट और इसमें हो सकती है। अभी भी लग रहा है कि इसमें थोड़ा चांसेस है गिरने का, इसलिए कूदने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। 1591 एक बहुत अच्छा और पुराना, मतलब काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग होल्डिंग सपोर्ट है। और अगर ये, सो नाउ इट हैज़ क्लोज कैश लेवल 1644 पे क्लोज हुआ है ना, 1618 एंड 1660 इसका रेजिस्टेंस है। यानी आप कल परसों देखेंगे, क्योंकि ये वीकली बेसिस की बात हो रही है, नॉट डेली बेसिस। तो वीकली बेसिस पे अगर ये 1660 क्रॉस करके क्लोजिंग देता है, देन देर इज़ फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्टेड। अगर ये 1660 क्रॉस करके डबल टॉप बनाता है या वहाँ से नीचे गिरता है, देन आप सोचो ये नीचे डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, क्योंकि वो ट्रेंड उसका क्लियरली वापस शॉर्ट टर्म के लिए डाउन हो गया। कपल ऑफ थिंग्स विच आर सपोर्टिंग HDFC बैंक इज, इसका RSI लेवल काफ़ी ओवरसोल्ड बता रहा था फ्राइडे डेली बेसिस पे, लेकिन वीकली बेसिस पे अभी न्यूट्रल बता रहा है। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली बुलिश, बिकॉज अभी भी पता नहीं कितनी सेलिंग बाकी है। यार आप खुद अंदाज़ा लगाओ ना, $150 मिलियन की सेलिंग आने वाली है। क्या आपको लगता है वो एक ही दिन में आ जाएगी? स्कैटर्ड मैनर में बाइंग होती है, उसी तरह स्कैटर्ड मैनर में सेलिंग भी आती है। और कुछ चीज़ें, ये तो उसके प्रोज की बात है, कुछ चीज़ें जो स्टॉक के अगेंस्ट जाएंगी, वेनिसडे US में CPI इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, अगेन देर इज़ अ चांस कि उसकी वजह से मार्केट थोड़ा हिले। फिर US के जो डेट सीलिंग है, जो वंस इन अ डेकेड काइंड ऑफ डिसीजन होता है, 5 साल में हमेशा वो लोग बढ़ा देते हैं, वो डेट सीलिंग का डिसीजन अभी राउंड द कॉर्नर है। तो US में और ग्लोबली बैंक्स या बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी चिंता है। एंड इंडियन बैंक्स तो स्ट्रांग है, आप बैंक निफ्टी देखो किस तरह रोल कर रहा है वो, क्योंकि हमारे बैंक्स पे तो कोई ना कंसर्न्स है, ना आउटस्टैंडिंग है, ना प्रोविजनिंग, कोई इशू नहीं है। हमारे SLR CRR रेशियोज ही इतने स्ट्रांग है कि वी डोंट लेंड विदाउट अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो हमारा वो इशू नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, सुना है ना। तो अगर ग्लोबल बैंकिंग इंडेक्स में ही आपको दिक्कत दिख रही है, क्योंकि मैंने देखा S&P का जो फाइनेंशियल इंडेक्स है वो 2007 के लेवल के नीचे जा चुका है, मतलब 2007 का जो पीक था उसके नीचे गया है काफ़ी साल बाद। नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली ड्यू टू द US बैंकिंग क्राइसिस, बट इज़ इट पॉसिबल दैट उसका स्पिल ओवर इफेक्ट ग्लोबल बैंक्स पे आए? यू कांट रूल आउट दिस एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके वजह से सारे चार्ट्स और सारे RSI लेवल्स हिल सकते हैं। इसीलिए 2 दिन और रुकना इज़ प्रूडेंट। आप 1618 और 1660 दोनों के बीच में देखिए किस तरफ आपको डायरेक्शन देता है। 1618 टूटा तो और नीचे जाके फिर 1591 पे पकड़ सकते हैं। अगर ऊपर गया, 1660 ऊपर की तरफ तोड़ दिया क्लोजिंग फॉर 2-3 डेज, देन दैट विल बी अ डिसेंट लेवल स्टिल टू कंसिडर फ्रैक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड या स्कैटर्ड बाइंग। All stock ideas mentioned in this video and on this channel are only for training purposes, educational purposes. Please consult your registered financial advisor before taking any buy or sell call. With that standard disclaimer, I'll see you in the next video. Tab tak, take care, keep profiting.